हेलो दोस्तों, मैंने ऑनलाइन कुछ सीड्स परचेज किया है और ये सीड्स हैं एडेनियम अरेबिकम के। और वो कौन सा वैरायटी है मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है और ऐसे व्यक्ति से मंगाया है जो स्वयं एडेनियम की बहुत अच्छी गार्डनिंग करते हैं। और जब उनमें फ्लावर्स आने के बाद सीड पॉट्स तैयार हो जाता है, उसके बाद वो इन फ्रेश सीड्स को बेचते हैं। आगे मैं इसकी जर्मिनेशन भी दिखाऊंगा और तो इसको वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हालांकि ये एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो है, लेकिन इसे मैंने पहले ही काट करके रखा हुआ है और खोल करके देख भी लिया हूं। और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सीड्स उन्होंने भेजा है। आज की डेट में यदि देखा जाए तो ऑनलाइन एडेनियम के सीड्स मंगाना काफ़ी एक जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि वो लोग अनहेल्दी इमेच्योर सीड्स भी भेज देते हैं या फिर काफ़ी पुराना सीड्स भेज देते हैं, जो कि जिससे कि हमें जर्मिनेशन रेट अच्छा नहीं मिलता है और बहुत ही कम पौधे उग पाते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने इसे लिफाफा से निकाल लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक छोटी सी डिबिया में सीड्स भेजे हैं, वो मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ। ये उन्होंने इसमें सीड के वैरायटी का नाम भी लिखा हुआ है कोड में GT, और ये 10 सीड्स हैं। GT यानी गोल्डन टैंक अरेबिकम। अगर इसका फ़ोटो आप मिलता है तो वो भी मैं आपको साइड से दिखा दूंगा। और ये देखिए, इसको खोलते हैं, इसमें ये सीड्स इन्होंने भेजा है। ये देखिए 10+2 सीड्स, मतलब मैंने तो 10 बीज मंगाए थे लेकिन दो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसे आप गिफ्ट समझिए या फिर कुछ भी समझिए, तो दो सीड इन्होंने एक्स्ट्रा भेजा हुआ है। और ये सीड मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कितने हेल्दी सीड्स हैं, मोटे मोटे। ये देखिए बड़े बड़े सीड्स इन्होंने भेजा है, इनकी लंबाई भी देख लीजिए आप, काफ़ी लंबा है, लगभग देखिए ये साइज। तो ये 10 मैंने मंगाया हुआ है और इसे जब लगाऊंगा तो उसकी वीडियो भी मैं लाऊंगा। तो मैंने ये बीज मंगाया है गणपत जी से और वे भावनगर गुजरात के हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेनियम्स वे ग्रो करते हैं। और इसकी जर्मिनेशन हमें बहुत ही बढ़िया मिला है, लगभग सारे के सारे बीज इसमें जर्मिनेट कर गए हैं और जो भी सीडलिंग्स तैयार हो रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं। और इसके कॉडेक्स भी आप देखिए काफ़ी मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये इसके कॉडेक्स ये देख लीजिए। अब ये सारे सीडलिंग्स लगभग 2.5 इंच के हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें जर्मिनेशन रेट हमें मिला है। तो इस प्रकार से आपको यदि ऑथेंटिक सीड्स मिल जाए, ऑथेंटिक सीड सेलर्स मिल जाए, तो उनसे ही सीड लिया कीजिए, जिससे कि आपको भी जर्मिनेशन रेट अच्छा मिले और अच्छे पौधे तैयार हो सकें। इनका भी फेसबुक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। यदि आपको सीड्स चाहिए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया है, तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो जो भी एडेनियम लवर्स हैं या एडेनियम ग्रो करना चाहते हैं तो उनको अच्छे ऑथेंटिक बीज मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।